किसी भी इंसान के लिए ज़िंदगी में घर उसका सबसे बड़ा सपना होता है। सारी तमाम आफतों से निकलने के बाद जब शाम को घर पहुंचता है तो वो एक रिलैक्स चाहता है। लेकिन आप सोसाइटी देख सकते हैं कि ये सोसाइटी है, ये करीब 4 साल पहले इस सोसाइटी का पोजीशन मिला है। हालत आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी है वो बिल्कुल एकदम जर्जर दिखाई दे रही है। इसी के लिए आज जो यहाँ के रेजिडेंट हैं आज उन्होंने इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया है। इनका यही कहना है कि ये बिल्डर से बार बार शिकायत कर रहे हैं लेकिन बिल्डर इनकी शिकायत पर कोई अमल नहीं कर रहा है। हमारे साथ में है सोसाइटी के रेजिडेंट हैं। सर ये बताइए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो है क्या? दीदी जी प्रॉब्लम एक नहीं है, कई सारी हैं। जब हमको हैंड ओवर मिला इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग में दुनिया भर की खामियाँ थी। हमने शिकायतें करी, बिल्डर को लिख करके दिया, मिले। अभी आपने खुद कहा कि प्लास्टर गिर रहा है, जगह जगह दिख रहा है वो प्लास्टर गिरता हुआ। हमारी लाइफ को थ्रेट है, सिक्योरिटी की दिक्कत है। यहाँ पे कम से कम 5 सिक्योरिटी एजेंसी चेंज हो गई, 5 सिक्योरिटी एजेंसी। अब लगाइए 3 साल पोजीशन लिए हुए हैं। 2016 अक्टूबर से यहाँ पोजीशन शुरू हुआ था और 4 सिक्योरिटी एजेंसी बदल दी गई। ये हाल है। ये मेरे ख्याल से तो सिक्योरिटी एजेंसी को पैसे भी नहीं देते, जो भाग जाते हैं। हम लोग मेंटेनेंस पूरी दे रहे हैं, शुरू से दे रहे हैं। लगभग एक जो बड़े मकान है उनकी 8,000 से 9,000 तक की मेंटेनेंस महीने की जाती है, जो कम नहीं है एक महीने में। सर्विसेज क्या है? कूड़ा उठा लो बस। इसके अलावा कोई ऐसी सर्विस नहीं है। जो बिल्डिंग क्वालिटी है वो कैसी है? बिल्डिंग में जगह जगह सीपेज है, आप बेसमेंट में जाके देखिए। मकानों में पाइप फटने शुरू हो गए हैं। 2.5 साल 3 साल में ही जो प्लम्बिंग के पाइप है फट गए हैं। हमारे पास उसके भी वीडियोज़ हैं, फोटोग्राफ्स हैं। जो क्लब दिया है उन क्लब के अंदर पानी भर गया, और पानी ऊपर से नहीं आया, पानी साइडों से आया। हमारे दरवाजे हैं, चौखटें उखड़नी शुरू हो गई, पत्थर, लिफ्टें कभी कभी अचानक से बंद हो जाती हैं। लिफ्टें लोग डरते हैं, घबराते हैं, लिफ्ट अचानक से नीचे आती है, धाम धाम से नीचे आती है, मतलब जान को भी खतरा है। अब बिल्कुल जो चीज़ें बाहर से दिख रही हैं वो भी दिख रहे हैं। मैडम आप बताइए कि आप गृहिणी हैं तो आपने मतलब क्या सोच करके यहाँ पर ये मकान लिया था और बिल्डर को क्यों सेलेक्ट किया था, और साथ ही क्या आपने कभी सोचा था कि जो बिल्डर की क्वालिटी है उसकी ख़राब होगी? एक्चुअली हमने ये सोच के लिया था कि अच्छा सोसाइटी है नानकी साहब से एंड एवरीथिंग फैसिलिटीज़ एवरीथिंग अच्छा है, लेकिन जब यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि मतलब मेंटेनेंस में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पानी से लेके बिजली तक, बच्चों से खेलने से लेके बड़ों से घूमने बड़ों को घूमने तक हर चीज़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कभी मतलब इतनी बार कंप्लेंट तो ज़्यादा रहता है लेकिन कोई सुनता नहीं है। बिल्कुल जो लोग हैं उनका अपने अपने तरीके से दर्द है, क्योंकि घर को लेकर के इन लोगों में चिंता है कि जो बिल्डर है उसके इन लोगों के हिसाब से जो बिल्डर की क्वालिटी है वो ठीक नहीं है। हालांकि ये बिल्डर से बार बार शिकायत कर रहे हैं लेकिन बिल्डर इनकी शिकायतों पर कब अमल में लाएंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नोएडा से मैं मोहम्मद यूसुफ।